दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मोनोटोवर्क में। दोस्तों मेरे पास एक भाई ने कमेंट किया था कि सर बाइक का फॉल्ट पकड़ने का तरीका बताइए। तो आज मेरे पास ये पैशन प्रो है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। मैं आपको इसका फॉल्ट पकड़ने का तरीका बताऊंगा। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को आप यामाहा की गाड़ी में, हीरो की गाड़ी में, बजाज की गाड़ी में और होंडा की गाड़ी में, टीवीएस की गाड़ी में सब में यूज कर सकते हो, और अपाची में, पल्सर में और FZ में, होंडा साइन में, मतलब जो DC करंट से चलती हैं उन सभी गाड़ियों में, स्कूटी में, मेस्ट्रो में, एक्टिवा में, जुपिटर में, वेगो में, और जो स्कूटी होती हैं उन सब अदर स्कूटी होती हैं उन सब में यूज कर सकते हो। और ये वीडियो जो है ये आप अगर मैकेनिक हो आपके लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप मैकेनिक नहीं हो, आप राइडर हो, बाइक चलाते हो, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप कभी भी रास्ते में नहीं फंसोगे, अगर आपकी गलती रास्ते में प्रॉब्लम कर जाए तो आप रास्ते में नहीं फंसोगे। ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो पूरा देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सफ़ेद वाली तार है मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कभी कभी बीच में तार टूट जाती है और चार्जर पर करंट नहीं आता, कहीं हमें रात पे करंट चेक करना पड़ेगा जहाँ पे अर्थिंग आता है। चलो यहाँ बैटरी पर चेक कर लेते हैं कि क्या लगाओ। देखा आपने, स्पार्किंग हो रही है। अब हमें क्या चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पे जो सफ़ेद तार में करंट आ रहा था वो AC करंट होता है, यानी अल्टरनेटर करंट जो मैग्नेट से आता है। और फिर ये जो लाल वायर है आपको दिख रही होगी चार्जर, इसको जो करंट आता है मैग्नेट से, उस करंट को DC में बदलता है, यानी AC से DC करंट करता है। अब हमें कैसे चेक करना है, यहाँ पे हमें वायर का टुकड़ा यूज नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, या तो आप मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई इंडिकेटर लेके उससे चेक कर सकते हैं। ये रेड वाली वायर में मैं एक तार लगाता हूँ ऐसे, और अब करंट चेक करेंगे। ठीक है, लगाओ। देखो यहाँ से, यानी सफ़ेद वायर में करंट आ रहा है और फिर चार्जर उसको DC में कन्वर्ट करके लाल तार में दे रहा है। तो ये लाल तार जो होती है ये जाती है हमारी यहाँ से मैन लॉक पर, यहाँ मैन लॉक पर जाती है, और जो वापस आती है वो है लाल और काली, ये लाल और काली। फिर यहाँ से दूसरा फ्यूज है वो इसको कन्वर्ट करके काली में देता है, काले तार में देता है, और ये फिर काला तार सारे वायरिंग में 12 वोल्टेज सप्लाई करता है। तो ऐसे ही होता है, वहाँ से लाल और काले तार आने के बाद वो फ्यूज पर भी चली जाती है। और यहाँ CDI पर भी आ जाती है, ये देखो बहुत डस्ट लगा हुआ है इस पर। ये तो जो इसमें कार्बोरेटर में थ्रोटल सेंसर होता है उसकी तार है, इससे कोई खास संबंध नहीं है। ये तार होती है इग्निशन ST कोयल की, कहीं कहीं इसको इग्निशन कोयल भी बोलते हैं, और ये नीले में पीली लाइन पिकअप कोयल की, और इधर ये हरी अर्थिंग की तार, और जो लाल काली मैंने बताई है एक वो तार। अब अगर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ, मतलब यहाँ जैसे करंट आता है आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है, अगर वहाँ कुछ भी फॉल्ट हो जाए तो यहाँ करंट नहीं आएगा और गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगी। मैं चार्जर DC करंट बना कर देता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कंपनी की हो, उस तार में आपको, जैसे इसमें लाल तार में DC करंट सप्लाई करता है चार्जर RR यूनिट, जैसे इसमें लाल तार है
तो उसमें एक तार का टुकड़ा लगाना है ऐसे, और कपलर इसमें लगा देना है अच्छी तरह। फिर ये जो तार है, इस तार को हम जो लाल काली तार जो है उसमें लगा देंगे इस तरीके से, ऐसे लाल और काली तार में। हो गया, अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। मैं किक यूज करूंगा, देख सकते हो, देख सकते हो गाड़ी पहली किक में स्टार्ट हो गई है। और जो मैकेनिक नहीं है, राइडर भाई हैं, वो उनसे उनको मैं रिकमेंड करूंगा, आप एक इस तरीके का वायर का टुकड़ा लेके बॉक्स में रख सकते हो। अगर आप बाइक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो आप कहीं भी रास्ते में नहीं फंसोगे, आप आसानी से अपने घर या मैकेनिक की दुकान पर आराम से चले जाओगे।